नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी के बायोलॉजी के क्वेश्चनों के बारे में। तो इसके अंदर जो एनसीईआरटी जो किताब है, इसके अंदर 6, 7, 8 और 9 चैप्टर, जो चार जो चैप्टर हैं, अध्याय 6, 7, 8 और 9 के जितने भी एमसीक्यू एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए गए हैं उनके बारे में हमें बात करते हैं। तो अध्याय 6 जो है उसके अंदर दे रखा है जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम के बारे में दे रखा है यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है एक तो मानव हृदय के बारे में। इसके अंदर आते हैं सबसे पहले तो जितने भी जो सिस्टम हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कुछ सारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में और कुछ आता है इसके बारे में जो है ना, प्लांट्स के बारे में, जैसे क्लोरोफिल्स के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो है ना इसके अंदर आता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो होता है उसको कहते हैं हम किडनी। तो जो किडनी है, वो किसका, किस जो है ना तंत्र से संबंधित है। तो जो किडनी है वो किस तंत्र से संबंधित है, तो हमारा आंसर रहेगा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। जो किडनी होती है वो किस से संबंधित होती है, उत्सर्जन तंत्र से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित होती है। तो वृक्क के बारे में 4-5 बात करते हैं। सबसे पहली बात, वृक्क का जो भार होता है वो होता है 150 ग्राम का। जो किडनी होती है उसका भार कितने ग्राम का होता है, 150 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि किडनी की शेप कैसी होती है, तो सेम के आकार की होती है, बीन शेप की होती है, या हिंदी में कहें सेम के आकार की। कैसे आकार की, सेम के बीज के आकार की होती है किडनी की शेप। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि जो किडनी होती हैं इनका रंग पूछ लेता कई बार, तो रंग होता है इनका गहरा लाल रंग, गहरा लाल रंग होता है किडनी का। संख्या पूछे तो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है कि मनुष्य में जो है ना वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो जो किडनी होती हैं वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होती हैं। किडनी जो है उसका भार 150 ग्राम का होता है, आकार पूछे तो बीन के शेप की होती है और गहरा लाल रंग होता है। उसके बाद में अब जो बाई किडनी जो होती है, बाई तरफ की जो किडनी होती है, बाई जो किडनी है वो थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, बाई जो किडनी होती है वो जो है ना थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, थोड़ी सी क्या होती है, ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये ध्यान में रखना आपको कि जो बाई किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। ये जो है ना आप शेप देख सकते हैं किडनी के बारे में, शेप है, एक एक्सटर्नल व्यू है बाहर से कैसी दिखाई देती है, और दूसरी जो है ना इंटरनल व्यू है अंदर से कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखो, ये जो लाल वाली जो दिखाई दे रही है, ये वाली, ये होती रिनल आर्टरी, रिनल धमनी, इसको हम नाम क्या देते हैं, रिनल धमनी नाम देते हैं, जो यहाँ पर शुद्ध रक्त लेकर के आती है किडनी के अंदर। दूसरा नीचे दिखाई दे रही है ये ब्लू वाली, ये रही ये ब्लू वाली, ये है रिनल वेन, रिनल सिरा। रिनल सिरा का काम होता है किडनी से अशुद्ध रक्त को वापिस जो है हृदय तक ले जाने का काम करती है। तो ये इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि जो किडनी होती है, किडनी की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं, नेफ्रोन को कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, नेफ्रोन जो होता है वो किडनी की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन बनता है, अगर यूरिया का निर्माण पूछे, अगर कहे यूरिया का निर्माण, तो शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण होता है यकृत के अंदर। किसके अंदर होता है, यकृत के अंदर होता है। शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा क्वेश्चन आता है यकृत से, यकृत का भार जो है वो 1400 ग्राम का होता है। यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। लेकिन कहे शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा है, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग तो यकृत होता है। उसके बाद में यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर होता है, यूरिन का निर्माण, तो यूरिन का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है। तो यूरिन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, किडनी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किडनी से संबंधित है।
किडनी का काम होता है रक्त का फिल्ट्रेशन करना, रक्त के शुद्धिकरण को काम, रक्त का शुद्धिकरण करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो उसके रक्त को शुद्धिकरण कराने के लिए डायलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, डायलिसिस करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, डायलिसिस। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डायलिसिस का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, तो डायलिसिस जो होता है वो किस अंग का होता है, किडनी का होता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे किडनी से रिलेटेड वो मैंने आपको करा दिए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप जो है ना, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के अंदर जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जो होता है इसका काम होता है जल का वहन करना, जैसे जाइलम जैसे जल, तो जाइलम का काम होता है जल का वहन करना। जाइलम का क्या काम होता है, जल का वहन करना होता है। ठीक है, अगर भोजन का वहन पूछे तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, अगर भोजन का वहन पूछे तो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। अगर ऑक्सीजन का वहन पूछे तो ये होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का वहन हीमोग्लोबिन के द्वारा, भोजन का वहन फ्लोएम के द्वारा, जल का वहन जाइलम के द्वारा होता है। जो जाइलम होता है ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। तो गुरुत्वाकर्षण के जो विरुद्ध है वो काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। जाइलम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो है ना जड़ों से जो है ना पानी को इस प्रकार से जो है ना ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के क्या होता है, ये विरुद्ध काम करता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों से पानी और साथ में जो है मिनरल्स, जो खनिज लवण होते हैं उनको सोखने का काम करते हैं और प्रत्येक भाग तक पहुँचाते हैं। तो जो जाइलम होता है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। ये देखो, एक जाइलम है एक दूसरा फ्लोएम है। ठीक है, तो अंतर देखो क्या होता है दोनों के अंदर। जाइलम जो होता है ये वहन करता है एक तो पानी का, जल का, जल व जो खनिज लवण है इनका वहन करने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम केवल वन वे ओनली होता है, वन वे, नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ जाता है कि जड़ जो है ना वो पानी को सोखेंगी और पूरे पौधे को ऊपर की तरफ भेजती हैं। ठीक है, भेजते किस किस को हैं, तो वाटर को और मिनरल्स को। किसको भेजते हैं, वाटर और मिनरल्स को भेजते हैं। ठीक है, तो ये दो बात ध्यान में रखनी है। जाइलम जो होता है वो वन वे होता है ओनली, नीचे से जो है ऊपर की तरफ पानी को भेजने का काम करता है। किस किस को भेजता है, पानी को साथ में मिनरल्स को। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है भोजन का वहन करना। किसका वहन करना, भोजन का वहन करना। किसका काम होता है, तो ये काम होता है फ्लोएम का, भोजन का वहन करना। टू वे फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, टू वे, ऊपर की तरफ भी जाता है नीचे की तरफ भी जाता है। ठीक है, ऊपर और नीचे की तरफ। तो ये करता है वाटर एंड फूड दोनों को, वाटर पानी और भोजन दोनों का वहन करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। लेकिन क्वेश्चन पूछे ना जाइलम का क्या काम होता है, तो पानी का वहन करता है और साथ में खनिज लवणों का वहन करता है। अगर पूछे फ्लोएम का क्या काम है, तो भोजन का वहन करता है। टू वे फ्लो होता है इसके अंदर, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी, स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है 6 मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का प्लस में 12 मोलिक्यूल पानी के। 12 मोलिक्यूल किसके होते हैं, पानी के होते हैं। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल पौधे के अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जब भोजन बनाते हैं तो वो बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज प्लस में 6 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के प्लस में 6 मोलिक्यूल वाटर के प्लस में 6 मोलिक्यूल किसके होते हैं, पानी के होते हैं, H2O के होते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की। स्वपोषी पोषण होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, साथ में सनलाइट की उपस्थिति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, पानी, पानी की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर रहेगा उपरोक्त सभी,
आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए डी रहेगा, उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। सर्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और सूर्य के जो है ना प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये देखो फोटोसिंथेसिस का, ये इस प्रकार से है, सनलाइट है यहां पर देखो, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल होगा, पौधे के अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखो है C6H12O6, प्लस में 6 मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया होती है जो सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद में जैव प्रक्रम से जो है ना लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, पाइरुवेट के विघटन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ठीक है, जो भी हम पढ़ते हैं जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं या फिर एनएरोबिक वायवीय या फिर अवायवीय श्वसन जो हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हम जब सांस लेकर के जो ना बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके अंदर जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है। तो जो पाइरुवेट का विघटन होता है तो वो किस अंग के अंदर होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से 2-3 क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ ए सेल कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी अल्टमान ने, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज किसने करी थी, अल्टमान ने खोज करी थी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण पूछे तो वो करा था बेंडा ने, किसने करा था, BENDA, बेंडा ने इसका क्या करा था, नामकरण करा था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी अल्टमान ने, नामकरण करा था बेंडा ने, नामकरण करा था। उसके बाद में आगे देखो पाइरुवेट, अब देखो आगे हम बात करते हैं, मान लो ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6। ठीक है, ये सबसे पहले बदलता है किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर बदलता है, किसके अंदर बदलता है, पाइरुवेट कह लो चाहे पाइरुविक एसिड कह लो, पाइरुवेट के अंदर बदलता है। ये जो है ना ग्लूकोज का पाइरुवेट के अंदर बदलना, ये प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ग्लूकोज का पाइरुवेट के अंदर बदलना जो है ना कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर। लेकिन पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल जो है ना पानी के, प्लस में 36 मॉलिक्यूल ATP के, 36 मॉलिक्यूल किसके, ATP के। ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पाइरुवेट के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, देख लो ये पाइरुवेट है, इसके विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा, 36 मॉलिक्यूल ATP के, और 2 मॉलिक्यूल ATP के यहाँ पर निकलते हैं जब पाइरुवेट बनता है, 2 ATP के। इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस नाम देते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। तो अगर पूछे ग्लूकोज का पाइरुवेट में बदलना, तो ये प्रक्रिया होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर। लेकिन पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा के अंदर बदलना, ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हरित लवक जो है क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं केंद्रक, केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट जो है ना ब्राउन ने खोज करी थी 1831 में। अगर केंद्रक की खोज पूछे तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी 1831 में, जो है इसने खोज करी थी। तो ये क्वेश्चन थे इसके बारे में। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ ए सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ ए सेल कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि केंद्रक के अलावा DNA किसमें पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि केंद्रक के अलावा DNA किसमें पाया जाता है, तो यहां पर देखो ये डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो हमारा आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। केंद्रक के अलावा DNA किसके अंदर पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक
आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, दो प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, किन्नर होती है के आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, केंद्रक के अलावा डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में अध्याय जो 6 था जैव प्रक्रम, उसमें ये 4 ही क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर। अब आते हैं अध्याय 7 के बारे में, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है ना शेप है सबसे पहले तंत्रिका की, इसी से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर कहे सबसे लंबी कोशिका, अगर शरीर की पूछे सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो हमारा आंसर क्या रहता है? तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका की जो है शेप है। द्रुमिका कहते हैं डेंड्राइट को, यहाँ पर जो है छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इसके कोने के ऊपर, उसको हम डेंड्राइट कहते हैं। इसके अंदर केंद्रक होता है और कोशिका काय होता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से शेप होती है तंत्रिका कोशिका की, शरीर की जो है सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछे तो वो है पीपीएलओ, पीपीएलओ, या फिर दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, और पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप मतलब पेड़ पौधों से संबंधित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन जो है मनुष्य के अंदर निकलता है अग्नाशय से निकलता है, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय से। ठीक है, कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। पहली बात, वो ग्रंथियां जो हार्मोन का निर्माण करती हैं उनको कहते हैं एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन किससे निकलता है? अग्नाशय से। और अग्नाशय जो है अंतःस्रावी भी है और साथ में जो है बहिस्त्रावी है, इसीलिए एकमात्र जो है मिश्रित ग्रंथि, शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। और अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। अग्नाशय के अंदर 4 प्रकार की कोशिका होती हैं। इंसुलिन निकलता है बिट्टा सेल से, बिट्टा कोशिका से निकलता है, और बिट्टा कोशिका अग्नाशय के 70% भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन का काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम किसका होता है? तो इंसुलिन का होता है। इंसुलिन जो है वो बिट्टा सेल से निकलता है, बिट्टा सेल जो है 70% भाग में पाई जाती है। थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन है वो निकलता है थायरॉइड ग्रंथि से। देखो यहाँ पर गले के अंदर पाई जाती है थायरॉइड ग्रंथि, पूछे तो कहाँ पर पाई जाती है? गले में। ठीक है, दो ग्रंथियाँ होती हैं, एक थायराइड होती है, एक पैराथायरॉइड होती है। थायरॉइड जो ग्रंथि होती है, थायरॉइड ग्रंथि, इसकी शेप होती है अच शेप की। कैसी शेप होती है? अच शेप की होती है थायरॉइड ग्रंथि। ठीक है, थायरॉइड जो ग्रंथि होती है वो अच शेप की होती है। उसके बाद में आगे हम देखें, अगला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्ट्रोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन और रिलैक्सिन फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। ये कौन से होते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है जीवों के अंदर पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है और ये निकलता है ओवरी से, ओवरी इन फीमेल, ओवरी से निकलता है। ठीक है, ये जो ओवरी है फीमेल के अंदर और टेस्टिस जो है मेल के अंदर, ठीक है, इनको हम गोनेड्स नाम देते हैं, गोनेड्स। ठीक है, तो ये गोनेड्स होते हैं दो प्रकार के, ये भी जो ना हार्मोन का, हार्मोन का जो है निर्माण करते हैं। तो फीमेल के अंदर एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एक प्रोजेस्ट्रोन होता है, एक रिलैक्सिन होता है। मेल के अंदर एक होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो हमारा आंसर जो है ना यहाँ पर एक ही बचता है, साइटोकाइनिन। तो निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन है। इंसुलिन किससे निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है। ये रहा पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज रहा। ठीक है, पैनक्रियाज जो होता है ना वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? लीफ लाइक, पत्ती नुमा संरचना होती है। जो पैनक्रियाज है इसकी खोज करी थी लैंगर हैंस ने। किसने खोज करी थी? लैंगर हैंस ने खोज करी थी। इसीलिए पैनक्रियाज को लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ कहते हैं, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ। किसको कहा जाता है? तो पैनक्रियाज को कहा जाता है।
पैनक्रियाज चार प्रकार की सेल होती है पैनक्रियाज के अंदर, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल होती हैं। बीटा जो सेल होती है इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, बीटा सेल 70% भाग पर होती हैं, और इंसुलिन का काम होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो होता है ना वो यहाँ से निकलता है थायरॉइड ग्रंथि से, थायरॉइड और पैराथायरॉइड दोनों गले के अंदर होती हैं, थायरॉइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है, थायरॉइड ग्रंथि की शेप एच शेप होती है, एच शेप न मिले तो बटरफ्लाई के आकार की होती है थायरॉइड ग्रंथि। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, ओवरी से निकलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन पूछे तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टिस से निकलता है, तो एक ही आंसर बचता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है कि पादप हार्मोन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है सिक्स है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो अब देखो, आपको बताया था द्रुमिका, द्रुमिका किसको कहते हैं, डेंड्राइट को, ठीक है। आपको बताया था पीछे शुरुआत में कि जो यहाँ पर ये तंत्रिका कोशिका खत्म होती है वहाँ पर कोने के ऊपर लास्ट सिरे के ऊपर पाए जाते हैं डेंड्राइट पाए जाते हैं, द्रुमिका जिसको कहते हैं। उसके बाद में एग्जोन होता है इस प्रकार से, मान लो कोई भी ये कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो इस प्रकार से जो हिस्सा होता है उसको हम एग्जोन नाम देते हैं और इन सिरों को हमें द्रुमिका डेंड्राइट नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है केंद्रक होता है, यहाँ पर जो है द्रव भरा होता है। उसके बाद में आवेग जो है इम्पल्स होता है, आवेग क्या होता है, इम्पल्स होता है, तो एक ही आंसर बचता है हमारा सिनेप्स, वो किस प्रकार से है, यहाँ देखो सिनेप्स। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यहाँ पर देखो एक तंत्रिका कोशिका ये इतनी, एक तंत्रिका कोशिका ये इतनी है यहाँ पर। अब देखो ये जो है ना यहाँ पर जुड़ी हुई है, यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ी हुई है दूसरी तंत्रिका कोशिका से, और यहाँ पर जो जुड़ी हुई है ना उसकी फुल शेप यहाँ पर है। तो देखो ये एक ये है इस प्रकार से, एक दूसरी जो है ना ये इस प्रकार से है, तो दोनों के बीच में खालिस्तान है ना, तो यही तो क्वेश्चन पूछा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को कहते हैं, तो क्या नाम देते हैं, सिनेप्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, सिनेप्स नाम देते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब देख लो पहला ऑप्शन जो है क्या था, द्रुमिका, वो किसको कहते हैं, डेंड्राइट को। दूसरा ऑप्शन क्या था, सिनेप्स, सिनेप्स जोन इसके बीच में ये खालिस्तान है उसको सिनेप्स कहते हैं। एग्जोन ये वाली जो इस प्रकार से जो नली है उसको क्या नाम देते हैं, एग्जोन नाम देते हैं। इम्पल्स जो होते हैं उसको आवेग कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क जो होता है इसका भार होता है 1400 ग्राम का। कितने ग्राम का होता है, 1400 जो है ना ग्राम का इसका भार होता है मस्तिष्क का। उसके बाद में मस्तिष्क के अंदर जो है ना तीन लेयर होती हैं, इस प्रकार से जो है ना तीन लेयर होती हैं, बाहर वाली ड्यूरामेटर होती है ड्यूरामेटर, बीच वाली आर्केनॉइड होती है, अंदर वाली पायामेटर होती है। ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड और पायामेटर तीन लेयर होती हैं इस प्रकार से, ठीक है। मस्तिष्क के बाहर से जो है ना आठ हड्डियाँ इसको कवर करती हैं। कितनी हड्डियाँ कवर करती हैं, आठ हड्डियाँ, जिसको हम कपाल कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेने कपाल के अंदर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो हमारा आंसर रहेगा आठ हड्डियाँ पाई जाती हैं कपाल के अंदर, जो मस्तिष्क को जो है चारों ओर से सुरक्षित रखती हैं। उसके बाद में मस्तिष्क के जो है मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन से होते हैं, फोर ब्रेन जिसको हम कहते हैं अगर मस्तिष्क, दूसरा आता है मिड ब्रेन जिसको हम नाम देते हैं मध्य मस्तिष्क, तीसरा आता है हिंड ब्रेन जिसको हम नाम देते हैं पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा नाम देते हैं, पश्चिम मस्तिष्क नाम देते हैं, ठीक है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क होता है सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, तो हमारा आंसर रहेगा उपरोक्त सभी के लिए होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है उपरोक्त सभी के लिए जो है उत्तरदायी होता है। ये जो है ना ब्रेन की शेप है इस प्रकार से, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन की बाहर से जो है ये कपाल है क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, आठ हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ये जो है सेरिबलम है, सेरिबलम एक सेरेब्रम होता है, एक सेरिबलम होता है, जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम वो अगर मस्तिष्क का भाग होता है, सेरिबलम जो है ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। अब जो सेरेब्रम है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरेब्रम अगर कहे सेरेब्रम
तो सेरेब्रम जो होता है ना वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और उसके अंदर टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब और ओसीपिटल लोब पाए जाते हैं, और एक होता है हेमिस्पियर। ठीक है, एक क्या होता है, ये दो भागों में बटा होता है हेमिस्पियर के अंदर, लेफ्ट हेमिस्पियर और राइट हेमिस्पियर के अंदर बड़ा होता है, जिसके अंदर लोब होती हैं टेम्पोरल, फ्रंटल, पेरिटल और ओसीपिटल लोब होती हैं। और इसके अंदर जो ना हिप्पोकैम्पस नाम की एक स्थान होता है, हिप्पोकैम्पस, जो हिप्पोकैम्पस होता है इसके अंदर जितनी भी हम मान लो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज करते हैं ना, जो भी बात स्टोर करते हैं रोम के अंदर, उसी प्रकार से जितनी भी हमारी बात याद रहती हैं, जितनी भी हमारी याददाश्त होती है वो ब्रेन के किस भाग में होती है, तो हिप्पोकैम्पस के अंदर होती है। किस भाग में होती है, हिप्पोकैम्पस में होती है। तो इस वीडियो में हमने जो है ना एनसीईआरटी 10th क्लास के दो चैप्टर करे हैं, आगे के दो चैप्टर रह गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।